हमारे साथ हैं इस समय महेश भट्ट, जिनको जाने माने हस्ती हैं, जिनको किसी पहचान के मोहताज वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज महेश यहाँ पर हैं, किस तरीके से वो अर्थ द प्ले को देखते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी ही फिल्म रही है अर्थ, लेकिन एक प्ले क्यों आपके दिमाग में आया कि इसका प्ले होना चाहिए? ये प्ले का जो डिसीजन था मेरा नहीं, संदीप जी का और इमरान जी का एक डिसीजन था। इमरान साहब ने मुझे फ़ोन पे कहा कि आपकी फ़िल्म जो है अर्थ, उसका हम एक प्ले का एक अडेप्टन करना चाहते हैं, आपको एतराज़ है? तो मैंने कहा ये मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला, वो पब्लिक स्पेस में 30 साल से है, आप का अधिकार है। अच्छा, अगर आज के स्टेजेस की बात करें, आप तो हमेशा से देखते आ रहे हैं, बहुत सारे स्टेज आपने देखे भी हैं, बहुत सारे स्टेजेस के आप मेंटर भी रहे हैं, लेकिन आज क्या कुछ ऐसे परिवर्तन पाते हैं जो पहले नहीं थे, या अब ज़्यादा आधुनिक हो चुके हैं स्टेज भी? मुझे लगता है कि ये ऐसा मैंने अनोखा प्ले कभी देखा नहीं कहीं पर। ये शायद मेरी समझ प्ले हिंदुस्तानी स्टेज के बारे में इतनी है नहीं, मगर मैं सत्यदेव दुबे जी का, एलक पदम सिंह साहब का, परेश रावल के मैंने प्ले देखे हैं, मगर ये जो है एक अनोखा किस्म का एक प्ले था, और ये डायरेक्टर साहिबा जो हैं उनकी एक जहनियत को दर्शाती है। बहुत बहुत सारे और भी आपके प्ले पहले हमने भी देखे हैं, और जिसमें इमरान को हमने पहले भी देखा है, बहुत अच्छी उनकी बाख्ता एक्टिंग है, कलाकारी है, लेकिन फिर भी जो अर्थ से मैसेज देना चाहते थे, क्या आपके जो यूनिट के तमाम लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया, जिन्होंने एक्ट किया, क्या लगता है कि वो मैसेज जा रहा है? मुझे लगता है कि पहला शो था, पहली परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा था। जो कमियां हैं वो डायरेक्टर साहब और पूरा कास्ट और क्रू, उसने उस पर बैठ के डिस्कशन 100% करना है, और वो करके कल का जो है प्ले होगा, शो होगा, 10 गुना बेटर होगा। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता प्लेज में जो है एक नई जान आती है। आपने देखा महेश भट्ट साहब किस तरीके से बताने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि अर्थ द प्ले जो उनका था, उन्होंने भले इसे प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन पूरा मेंटोर के तौर पर वो साथ में रहे हैं, और हर तरीके से उनकी कोशिश यही रही कि इस प्ले को जिस मैसेज के लिए बनाया गया है, जिस मैसेज के लिए प्रेजेंट किया गया है, उसका मैसेज पूरा पूरा जाना चाहिए, और वो शायद कहीं ना कहीं महेश भट्ट साहब को लगता है कि वो मैसेज पूरी तरीके से गया है। बहुत ही अच्छी अदाकारी हमें भी दिखाई पड़ी इस प्ले के दौरान। कैमरामैन प्रदीप के साथ आशीष चौबे, A to Z न्यूज़, दिल्ली।